दोस्तों शायद ही कोई भारतीय होगा जिसको ब्रह्मोस मिसाइल पर गर्व ना हो और हो भी क्यों ना ब्रह्मोस मिसाइल वो मिसाइल है जो जहां डिप्लॉय हो जाता है वहां पे पूर्ण रूप से पलड़ा अपनी ओर बदल देता है दोस्तों इतना ही नहीं अगर आप देखें तो ब्रह्मोस मिसाइल से दुनिया की अधिकतम शक्तियां कहीं ना कहीं डरती हैं आप देख सकते हैं जब रशिया ने इसे यूक्रेन युद्ध में इसी का वेरिएंट पी एट हंड्रेड ओनिक्स को डिप्लॉय किया था तो किस प्रकार का रिजल्ट आया था आप खुद गूगल कर सकते हैं वेस्टर्न मीडिया ने किस प्रकार से पी एट हंड्रेड ओनिक्स का डर उजागर किया था अब दोस्तों इसी को टारगेट किया जा रहा है अब अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार के लोग हैं जो कि ब्रह्मोत्सव के वंडरफुल है लेकिन यूजफुल नहीं है आप देखिए तो फिलिपींस को हिदायत दे रहे हैं कि ये तो बर्बाद कर दिया तुमने पैसा ये लेके क्या करोगे तुम तो इसे इस्तेमाल ही नहीं कर सकते क्योंकि तुम इसे यूज नहीं कर पाओगे दोस्तों यहां पे ब्रह्मोस को टारगेट किया जा रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज में वो कहने की हैं ब्रह्मोस इस प्रकार से बनाया गया है कि ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा ये आपके लिए किसी काम का नहीं है फिलिपींस के लिए ये इन इफेक्टिव है दोस्तों ये आप देखें तो जुलाई बाईस आज का न्यूज है लेकिन इस प्रकार का प्रोपोगेंडा पिछले महीने भी चलाया गया था आप देख सकते हैं एशिया टाइम्स में सेम प्रोपोगेंडा आपको चलता हुआ दिखेगा जिसमें दिख रहा है कि इसमें बड़ी शॉर्टकमिंग्स हैं जिस वजह से इसका डेटरेंट इंपैक्ट लिमिटेड है आप देख सकते हैं एशिया टाइम्स में सेम न्यूज कवर किया गया था दोस्तों कमाल की बात जानते हैं यहां पे फिलीपींस ने क्या कहा है फिलीपींस के एनवॉय ने कहा ब्रह्मोस मिसाइल तो गेम चेंजर है ये अगर आप देखें तो इंडिया और फिलीपींस के रिश्तों को अधिक मजबूत कर रहा है इसके साथ दोस्तों यहां पे आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आज आप जो ब्रह्मोस को जिस प्रकार से मलाइन करने का प्रयास करते हुए देख रहे हैं यह एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कहानी सिर्फ यहां पे नहीं रुकने वाली है कहानी अब धीरे धीरे भारत के पूरे के पूरे डिफेंस एक्सपोर्ट्स पर जाने वाली है इसी प्रकार का आप एक मलाइन करने वाले सीरीज ऑफ आर्टिकल्स देखेंगे जिसमें दुख की बात यह है कि इंडियन ओरिजिन के लोग आपको यूज होते हुए दिखेंगे ठीक है वैसे ही जैसे यूएस के बिग फार्मा लॉबी ने इंडियन फार्मा इंडस्ट्री को मलाइन करने का प्रयास किया है कुछ वैसा ही यूएस की ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है ये अब इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स को टारगेट कर रही है क्या है ये पूरा न्यूज आइए आज के वीडियो में देखते हैं आप देख सकते हैं इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई पर है ये किसी को पसंद नहीं आ रहा है दोस्तों इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों के लिए एक सवाल है जरा बताइए इनमें से इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेके कौन कौन से स्टेटमेंट स्टेटमेंट सही हैं इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट 21 करोड़ के आंकड़े को पार किया है स्टेटमेंट डिफेंस पिछले सालों में 31 गुना बढ़ा है बताइए कौन सा सही है कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर डालें अभी का अभी इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों एक जरूरी अनाउंसमेंट है तेईस हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए में आपको पंद्रह महीने का यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है ये प्राइस बस कुछ दिनों के लिए है तो जल्दी से जाए जाके एनरोल करें के सी टन कोड का इस्तेमाल करें तो ही आपको ये आकर्षक प्राइस मिलेगा अदरवाइज आप ज्यादा पैसा दे देंगे तो वो गलती मत कीजिएगा यूज दी कोड के सी टन आप देख सकते हैं क्वालिटी कोर्स है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इंडिया के मोस्ट शॉट आफ्टर एजुकेटर्स हैं हमारे साथ इसी चैनल पर जुड़े हुए हैं तो उनके द्वारा बनाया गया कोर्स है जो ऑलरेडी सत्तर से अधिक सिलेक्शन आपको दे चुका है तो वही कोर्स आपको मिलने वाला है कंप्लीट जीएस एस सी सा टेस्ट सीरीज है और सारे बैचेस का अनलिमिटेड एक्सेस भी है दोस्तों न्यूज में क्या है न्यूज में अगर आप देखें तो इंडिया का जो ब्रह्मो चाइना सी डिस्प्यूट में एक पार्टी के साथ उसके पक्ष में आवाज उठाना शुरू कर दिया क्लियरली चाइना को बोल दिया कि साउथ चाइना सी डिस्प्यूट में हम तो फिलीपींस के साथ खड़े हैं दोस्तों यहां पर देखने वाली बात क्या है कि इसके बावजूद भी एक व्यक्ति हैं शायद आप लेकिन इंडियन के मुंबई बॉर्न मुंबई में ही पढ़ाई, लिखाई, सब कुछ की है भारत के खिलाफ पहले भी काफी कुछ बोल चुके हैं कोई नई बात ये नहीं कर रहे अब इन्हीं को अगर आप देखें तो ये टाटा चेयर है स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के लिए और कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में सीनियर फेलो है अब इनको अगर आप देखें तो इन्होंने ब्रह्मोस के बारे में कुछ शब्द कहे हैं उन्होंने कहा ब्रह्मोस तो बढ़िया है लेकिन उसमें सी फोर आई एस आर कैपेबिलिटी ही नहीं है अब दोस्तों इसके वजह से वो कहते हैं ये इंडिया ने जो फिलीपींस को ब्रह्मोस दिया ये बस और बस सिंबॉलिक है ऑपरेशनल यूज इसका नहीं होने वाला यानी फिलीपींस के पैसे बर्बाद वो इसको यूज ही नहीं कर पाएगा बस हाथी के दांत है तो अब यहां पे समझने वाली बात है क्या ये सही है दोस्तों यहाँ पे वो एक टेक्निकल टर्म गिरा रहे हैं सी फोर आई एस आर कह रहे हैं कि अगर आप देखें थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा क्या है और साथ ही साथ भारत के जो नेवी इंडियन नेवी ऑफिशियल है कमांडर मिलिंद कुलश्रेष्ठ जी रिटायर्ड हैं उन्होंने किस प्रकार से इस एलिगेशन का पोल खोल किया है वो भी आपको मैं बताऊंगा तो आइए पहले जरा देखते हैं सी फोर आई एस आर कैपेबिलिटी क्या होती है जो टेलिस जी कह रहे हैं ब्रह्मोस में नहीं है दोस्तों यूएस डिपार्टमेंट ऑफ़ डिफेंस जब ये टर्म यूज़ करता है तो इसका मतलब है सी फोर में यानी चार सी जिसमें अगर आप देखें तो कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर है तो ये चार गया सी मिलकर बना सी फोर आई एस आर हुआ इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड रिकोनाइजेंस तो ये C4 ISR मिलके बनता है। अब आपको ये क्या बोल दिया। मैंने सिंपल शब्दों में समझिए क्या होता है, है साउथ चाइना सी में नेवी के है। सी बात है, कुछ में हवा में है कुछ जम्... कुछ पानी में शिप्स हैं तो कुछ पानी के नीचे सबमरीन है अब इसके लिए मल्टीपल सेंसर्स हमारे पास जो भी वहां पे डिप्लॉइड फोर्सेस उनके पास अवेलेबल है कुछ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आ रहा है सैटेलाइट से कुछ आ रहा है रडार से वैसे ही आप देखें तो कुछ आ रहा है अगर आप देखें तो वहां पे सबमरीन के लिए कुछ बॉयज होंगे जो कि वहां पे ऑलरेडी समुद्र में डिप्लॉयड हैं तो उनसे भी आ रहा होगा तो इसके साथ अगर आप देखें तो कुछ सोनार से आ रहा है तो दुनिया भर का डेटा अलग अलग जगह से आ रहा है वैसे ही अगर आप देखें तो आसमान में कोई एवॉक्स भी उड़ रहा है वो भी डेटा कंटिन्यूसली ला रहा है तो मल्टीपल सोर्सेज से अलग अलग डेटा आ रहा है इसको इंटीग्रेट करना इंटीग्रेट करके फाइनली बताना कि हाँ भाई यहां पे तुम्हारा टारगेट है इसको कहते हैं सी फोर आई एस आर तो जाहिर सी बात है क्या सी फोर आई एस आर कैपेबिलिटी ब्रह्मोस करके देगा नहीं ये तो आपके पास ऑन ग्राउंड कितना कैपेबिलिटी मौजूद है कितने ज्यादा आपके पास एवॉक्स हैं उस जगह पे उस वक्त डिप्लॉयड किस प्रकार की सैटेलाइट इमेजरी आपके पास अवेलेबल है किस प्रकार का रडार है किस प्रकार का इमर्सिबल सबमरीन के लिए बॉयज रहते हैं उनका क्या डाटा आ रहा है उन सब के बाद आप एक बिग पिक्चर देखते हो जब आप इसको इंटीग्रेट कर सको तो यहां पे C4ISR की कमी बताना कि ब्रह्मोस में नहीं है ये बड़ी ही सॉरी फॉर द यूज अ वर्ड ये वाहियात है वाहियात के सिवा इसको और कुछ नहीं कहूंगा इस प्रकार का एलिगेशन लगाना और यही बात कमांडर मिलिंद कुलश्रेष्ठ जी ने भी कही जब कहा कि देखिए उन्होंने स्वयं इंडियन नेवी के लिए ब्रह्मोस का सी फोर आई इंटीग्रेशन किया उन्होंने कहा ब्रह्मोस बड़ा इजीली इंटीग्रेबल है अगर आप देखें तो ये फिलीपींस के लिए लीथल होने वाला है क्योंकि ये इजीली किसी भी सीफोर आई एस आर सिस्टम से इंटीग्रेट हो जाएगा और उन्होंने कहा कि भारत का अगर आप सीफोर आई एस आर कैपेबिलिटी देखिए तो कुछ टेक्नोलॉजी रशियन है कुछ इजरायली है कुछ इंडिजिनस इंडियन है तो कुछ हो सकता है वेस्टर्न भी है तो इस वजह से इतने सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के डेटा आ रहे हैं उसको जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये फिलीपींस क्यों नहीं कर पाएगा अपने सीफोर आई एस आर कैपेबिलिटी से अब दोस्तों फिलिपींस की जहां तक बात है क्या उसके पास सी फोर आई एस आर कैपेबिलिटी नहीं है तो यह भी कहना बेवकूफी होगी क्योंकि यूएस मरीन कोर एम क्यू नाइन ए वो खुद फिलीपीन एयरफोर्स बेस में डिप्लॉयड है और उन्होंने पैक्ट साइन किया है कि वो इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे यूएस इंडो पैसिफिक कमांड फिलिपीन फोर्स के साथ सारा इंटेलिजेंस शेयर करने वाला है यानी कि सी एफ आई एस आर डेटा फिलीपींस को देने वाला है उसका खुद का भी नहीं है तो वहां पे अमेरिकन एसेट्स का डेटा उसके पास आ रहा है जहां तक बात है फिलीपींस की अगर आप देखें तो उसके पास भी खुद की कुछ कैपेबिलिटीज है ही तो यहां पे कह देना कि ब्रह्मोस में कमी है ये तो अजीब बात हो गई बाकी ब्रह्मोस की बात करें तो तो मूविंग टारगेट पे भी निशाना लगा सकता है क्योंकि इसमें मिड कोर्स गाइडेंस के लिए इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है वैसे ही टर्मिनल फेज के लिए होमिंग एंड रडार सीकर होते हैं बाकी जीपीएस ग्लोनास लिंक है सो so दैट ये मिसाइल गाइडेंस भी एक्यूरेसी बनी रहे मूविंग टारगेट्स भी इजीली इससे मारे जाए जा सके तो यहाँ पे फिलीपींस के ऊपर कहना कि आपका ब्रह्मोस बर्बाद हो गया पैसे बर्बाद हो गए ये और कुछ नहीं है ये बस और बस एक प्रकार का प्रोपोगैंडा है फिलीपींस भी इस बात को अच्छे से समझ रहा है वो ऑलरेडी कार्बोरो के पास अगर आप देखें तो यहाँ पे लुजोन है लुजोन में वेस्टर्न लुजोन में उसने ऑलरेडी अपना इस प्रकार का ब्रह्मोस का बेस भी बना के तैयार कर लिया है और चाइना इस इलाके में समझ रहा है कि ये ब्रह्मोस का किल जोन है इससे तो दूर ही रहना चाहिए अब दोस्तों यहाँ पे आप जो मिस इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं ये कोई नया तरीका नहीं है इस प्रकार से इंडियन ओरिजिन के लोगों को इस्तेमाल करना और उनसे अलग अलग फील्ड में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना ये वेस्ट पहले से करता आया है और आप यहाँ पर भी यही होता हुआ देख रहे हैं आप दोस्तों देखें तो ये बस और बस शुरुआत है यूएस में कुछ बड़ी लॉबीज हैं जैसे यूएस फार्मा लॉबी है बिग टेक लॉबी है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है इंश्योरेंस लॉबी है एनर्जी में ऑयल एंड गैस लॉबी है इनके बहुत ही गहरे पॉकेट्स हैं और इनकी इंस्टीट्यूशनल बैकिंग है इस प्रकार से कि कोई भी सरकार आए इनको तो प्रॉपर सपोर्ट करती है क्योंकि उन प्रेसिडेंट का इलेक्शन यही फंड भी करते हैं अब दोस्तों जब भी इनका इंटरेस्ट चेक पर होता है ये अपने कॉम्पिटिटर्स को मलाइन करते हैं हमने देखा है किस प्रकार से यही यूएस की ये जो बिग फार्मा लॉबी है उन्होंने कैसे इंडियन जेनरेट

ड्रग इंडस्ट्री को टारगेट किया था तो दोस्तों ये अब आप देखने वाले हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स तो बड़े स्केल पर करने वाली है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स यूएस की सबसे मजबूत लॉबी है इतनी मजबूत है कि इनके पीछे कहा जाता है कि यही यूएस के अलग अलग वॉर्स को भी रन करवाते हैं सो so दैट इनकी बिलिंग बनती रहे देख सकते हैं आप यहाँ पे किस प्रकार से यूएस यहां पे का ये आर्टिकल है, जो कह रहा है कि यूरोपियन री यूक्रेन को गया है वो घूम के यूएस के ही डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस में पैसा जाना है तो यूएस जो एड दे रहा है यूक्रेन को वो एसेंशियली अपनी इंडस्ट्रीज को मजबूत कर रहा है तो इस प्रकार से आप देखें तो ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बहुत मजबूत है और भारत अब कहीं ना कहीं उनको परेशान कर रहा है देखिए सबसे पहले तो भारत जब अपनी डिफेंस इंडिजनाइजेशन कर रहा है तो वो सामान जो इंडिया वेस्ट से खरीदता अब वो खरीद नहीं रहा इंपोर्ट्स कट डाउन हो रहे हैं दूसरे तरफ इंडिया डिफेंस आइटम्स को एक्सपोर्ट भी कर रहा है तो पॉसिबल यूएस मार्केट में अब इंडिया कॉम्पिटिटर बन रहा है ये फिलीपींस यदि ब्रह्मोस नहीं खरीदता तो यूएस का हारपून या टोमाहॉक कुछ इस प्रकार का एंटी शिप मिसाइल खरीदता तो कहीं ना कहीं उसके जेब में हमने गड्ढा किया है दोस्तों अब इंडिया का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेके प्लान तो और बड़ा हो रहा है अभी रिसेंटली मोदी जी जब रशिया गए तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस वाला मॉडल और भी इंडस्ट्रीज में आगे लेके जाना है और भी डिफेंस इक्विपमेंट्स में आगे लेके जाना है जिसमें सुखोई फाइटर्स को कहा गया कि अब इसको मेड इन इंडिया ब्रह्मोस के तर्ज पर बनाया जाए और दुनिया भर में बेचा भी जाए तो जाहिर सी बात है यूएस तो परेशान हो रहा है और आप इस प्रकार से भारत को टारगेट करने वाली चीजें देखते रहेंगे दोस्तों आज के सवाल का जवाब यहां पे आप देख सकते हैं दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सही जवाब दिया हो बाकी याद रखिएगा अभी नहीं तो कभी नहीं तेईस हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए में पंद्रह महीने का यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है जब आप यूज कर रहे हैं कोड के टेन इसमें आप देख सकते हैं इंग्लिश बैच है हिंग्लिश बैच है हिंदी बैच भी है वन ऑन वन मेंटरशिप भी आपको मिलेगी इतना ही नहीं दोस्तों नीव बैच है जो कि इंग्लिश में है जो कि टू ईयर फाउंडेशन बैच है जुलाई सत्ताईस से स्टार्ट हो रहा है याद रखिएगा कोड किसी यूज करें आइकनिक सब्सक्रिप्शन लें आपको बहुत सारी चीजें इसमें मिल रही हैं जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं बाकी जुलाई ऑप्शनल बैचेस भी हमने स्टार्ट कर दिए हैं मेक श्योर अगर आपकी ऑप्शनल भी है तो आप अभी हमसे जुड़ जाए